पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे, इधर लगाओ पेड़ के पीछे, देखते भाई। ओ ओ ओ ओ बेटा भाग ले, ओ बाबा भाई, ओ भाई लेपट है, लेपट, ओ भाई अंदर। हाँ बेटा भाग ले। ठीक है भाई जी, हाँ चूज कर लेते हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है, अब कहीं और लोकेशन नहीं जा सकते ना, थोड़ा सा क्या है ना ओपन है जगह, राइट है नी। ओह मैं चढ़ाई पार करके पहुंच गए, थक गया भाई मैं तो। काफ़ी लोकेशन सर्च करने के बाद में ये लोकेशन हमने फाइनल की है। बिल्कुल बिल्कुल, आज फिर से एक नई कैंपिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की नाइट कैसे निकलती है। और भाई आज मौसम खराब है और तो जो भी है बादल हो रहे हैं, पूरे बारिश भी पड़ सकती है, देखते हैं। और हम ऐसी जगह हैं, अगर यहाँ पे समझ लो कि बारिश गिरी, बारिश नहीं गिरनी है भाई, स्नो होनी है बिल्कुल लगा करके, यहाँ की जगह मतलब यहाँ पे बारिश की जगह स्नो गिरेगी बारिश नहीं, तो भाई देखते हैं क्या होता है। और तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी भाई जी में। तो आप सभी के लिए कुछ इस तरह से हम लोग जान बिल्कुल हथेली में रख करके कह सकते हैं, हम मतलब मज़ा भी आता है, फिर हमें अच्छा लगता है और आपको देखने में अच्छा लगता है। देखो भाई जहाँ पे एडवेंचर ना हो, डर ना हो बिल्कुल, और सतर्कता ना हो भाई, उसे एडवेंचर नहीं कहते, नहीं कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के कैंपिंग की, और सबसे पहले टेंट वेंट पिच करते हैं। और तब तक आप लोग यदि चैनल पर नए आए हो ना, तब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों चैनल को, और हम तब तक टेंट पिच कर लेते हैं, टेंट पिच कर लेते हैं, और उसके बाद लकड़ियां कलेक्ट करनी है। बिल्कुल, शायद यार पानी तो हो जाएगा, पानी तो हम ले आए, बहुत काफ़ी है ना, 5 लीटर की बोतल है, काफ़ी है, हो जाएगा। तो चलो ब्रो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई, खराब हो गई यार, सही कह रहे हैं आप। थोड़ा नीचे देख लियो कुछ है ना, यस यहाँ पे डर तो लग रहा है आज, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, आज डर सा लग रहा है यहाँ पे। भाई मजा आएगा नाइट कैंपिंग में, बिल्कुल वो भी ऐसी लोकेशन जो 7 बजे जाके मिली हमें बड़ी मुश्किल से, जिसमें हमें ये नहीं पता कि आसपास है क्या। क्यों जी? सही कह रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भगत से पहुँच जाते ना, थोड़ा पता लग जाती है कि लोकेशन कैसी है। ठंड लग रही है यार, ठंड लग रही, तभी तो घुस गया अंदर। हाँ बेटा मौज लो, लकड़ियाँ लेके आते हैं, सबसे पहले तो आग जलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जरूरी है। चलो चलो
सामान निकालें। नेफ निकालिए गाइस, ये भाई बाहर निकालना बहुत जरूरी है पहले। साइड पॉइंट से मैं ही हूँ। सामान भी हमने जुटा लिया है और क्लोज करना है। सिलेंडर है उसमें देखना। ऑन फायर हो जाए। ऑन फायर बिल्कुल, हर समय जलती रहनी चाहिए, है ना भाई जी? बिल्कुल भाई बिल्कुल। क्या बनाए यार खाने में आज भाई? मैं तो लाइट खाते हैं क्योंकि हाँ यार मेरा फुल है। हल्का खाते, मेरा भी फुल ही है। अभी शाम को जो है थोड़ा लेट में खाया था, है ना? वही मैगी बनाए। फिर मैगी बनाते हैं। मैगी के लिए क्या चाहिए हमें? बर्तन। मैगी, मैगी चाहिए। मैगी निकालो। इसमें बनाए, इसमें बनाए बताओ। इसमें बनाते हैं। इसमें बनाए, हाँ इसमें बनाएंगे। क्या चॉपिंग करो। और आप प्याज टमाटर किधर रखा? सब यहीं पे। ठीक हो गया। आप टॉर्च मारो। टॉर्च दो मुझे, हैवी फ्लेश वाला। अपना टॉर्च थोड़ा डाउन है। बैठो आप, बैठो इधर बैठो। आपके पास बैठता हूँ यार मैं, है ना? अच्छा, वाह भाई वाह, मौज कर दी। मतलब कि जंगल के ठंड को तुम ही भगाओगे हैं? क्या बताएं दोस्तों, ठंड भी लग रही है, डर भी लग रही है, तो ये हमारा आपके पास बैठ रहे हो हैं। आपके पास बैठो। सही है। जी आप लगाओ मैगी और मैं तब तक थोड़ा एक राउंड होकर के आता हूँ, है ना? ठीक। आगे पीछे देखो, क्योंकि मैं भाई जी को इसलिए नहीं भेजता ना बार बार, भाई जी को ज़्यादा आइडिया नहीं है पहाड़ों का, है ना भाई जी? बिल्कुल। और इसलिए थोड़ा चौकन्ना रहना ज़रूरी है। कुकिंग भाई जी परफेक्ट करते हैं, इसलिए साथ में भाई जी को ही ज़्यादा मैं वो करता हूँ कि आप ही बनाओ। आप टॉर्च मारो। वो वाला टॉर्च हो गया या दूसरा वाला? वो टॉर्च बढ़िया है ना। भाई दूर कहीं से काकड़ की आवाज आ रही। काकड़ की तो आ रही है। काकड़ की आ रही है ना। बंदर की भी आ रही है ना? बंदर की भी आ रही है। बंदर तो खैर पीछे वाले पेड़ में बैठे हुए हैं कुछ। वो ये लगता है यहाँ पे बंदर ज्यादा है। सही बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम कैंपिंग की थी ना, काकड़ की आवाज आ रही थी उस टाइम। पता मैं कैसे समझ रहा था कि ये लेपर्ड की भी यही आवाज है। भाई पूरी रात नहीं सोया था मैं। ये आप कभी भी इस तरह से कैंपिंग करते हैं, वाइल्ड कैंपिंग या फॉरेस्ट में कभी होल नाइट यदि रहते हैं, तो समझ लीजिए भाई अपने पास हथियार पहले होने चाहिए। बिल्कुल, है ना भाई जी? बिल्कुल। हमारे पास हथियार होंगे ना तो आप थोड़ा सर्वाइव कर सकते हो, आग जला के बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। और बेस्ट रहेगा चक्कू वक्कू, वैसे ही बताऊं, लेपर्ड सामने आ जाए ना तो ये हथियार धरे के धरे रह जाते हैं। मेन तो हमारा पॉइंट होता है बॉनफायर। तो आज कुछ अलग बनने वाला है। मैगी तो बनने वाली है गाइस, बट कुछ अलग बनेगी थोड़ी सी। क्यों देखते हैं भाई, आज मैगी टेस्ट करना मेरी कैसी बनती है, आज रिव्यू देना है आपको। क्योंकि हर कोई चीज बनाने का भाई जी को मौका मिल रहा है। एक दिन कैंपिंग करी थी, उस दिन आपने वो बनाया था शाही पनीर। उधर लगाओ, वो पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे, इधर लगाओ पेड़ के पीछे। एक मिनट,
देखते भाई ऐसे नहीं पता लगेगी, डंडा उठा चक्कू उठा। अरे भाई वही है यार काकड़, वो देखो भाग गया। बोरा 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 बोरा, मैंने कहा ना काकड़ की आवाज आ रही थी। वो चला गया, वो चला गया, ये तो भाग रहा भाई। हाँ भाग वो भाई, रुक जा एक मिनट, भाग रहा है तेज। ना ना कुछ ना कुछ जानवर होगा पीछे पक्का। अरे बिछड़ गया होगा यार, छोटा ही है ना वो, छोटा बच्चा है, बिछड़ गया होगा भाई, बिछड़ गया होगा। डरो मत, बड़ा वाला डंडा कहाँ गया यार। अगर गाय डरते ना ऐसे भी खुले में भी, तो फिर तो बेकार है कैंपिंग करना। हाँ ये है लेपर्ड की आवाज़। सेफ्टी के लिए सबसे पहले बता दें, लेपर्ड आए कोई भी जंगली जानवर आए, हमारे पास कोई भी हथियार होंगे ना, बस उनका नहीं चलेगा जब वो जानवर सामने आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन भाई जानवर दूर से दिख रहा है, आप मुंह से हल्ला कर सकते हो, तो वो डंडा बजा सकते हो, टॉर्च लगा सकते हो, तो आपके पास साधन, तो ये साधन रखने चाहिए, है ना भाई जी। लेपर्ड हमेशा पता है, बिल्कुल लेपर्ड गाइस हमेशा पता है क्या करता है, सामने से कभी वार नहीं करेगा, नहीं करता है हमेशा। क्या करेगा, जैसे अब हम बैठे हैं ना, इधर से नहीं आएगा सामने से, क्यों? क्योंकि हमारी बॉनफायर है। बिल्कुल भाई। हमेशा कहाँ से आएगा, हमारे टेंट के बैक साइड से, क्योंकि उसको आग नहीं दिखाई देगी और टेंट के पीछे बैठा होगा। सही बात है ना भाई, मैं देख ले। अगर कोई बंदा पीछे गया टेंट के कुछ भी, तो बस तुरंत भाई मामला साफ है। कहाँ करना, हमारी गैस और बंद करा दी यार। ओ बंद करा दी और दोबारा चालू करनी पड़ी है। चलो क्या बात है। जंगल में अगर कैंपिंग कर रहे हैं या फिर कभी ट्रैवल करते हैं या पिकनिक बनाने के लिए आते हैं, तो ये जो आइट साइड प्लास्टिक या इस तरह की चीज़ें फेंकते हैं, लास्ट में उसको या जला दें या डस्टबिन में डाल दें। बिल्कुल, क्योंकि हम जहां पर भी रहते हैं ना, हम प्लास्टिक को जला ही देते हैं। सुंदरता जो पहाड़ों की है ना, वो बरकरार रखनी चाहिए गाइस। अपने इंजॉय के साथ साथ हमने एनवायरनमेंट का भी ध्यान देना। चूरा बना दो थोड़ा। हाँ डालो भाई जी, हो गई। मैगी हमारी परफेक्टली हो गई है भाई, मैं तो इसमें खाऊंगा। खुशबू तो लाजवाब आ रही भाई जी। भाई खुशबू, खुशबू से ही आता है जो भी आता है जानवर, ये पता है। ऐसा मत ही बोलो यार, खाना तो खाने दो फिर होते रहेगा भाई जो भी होगा। करें शुरू। वाह भाई अल्टीमेट मजा आ गया ना, मैं भी आपके पास में खा दूंगा। टॉर्च मार लेते थोड़ा, नहीं जंगल है, पीछे से जरूरी है मारना। पूरी खाने में मजा आ गया, अपना खाना हो गया फिनिश। फिनिश आग हमने तेज कर दिया, क्यों? ओ, काकड़। अरे तो वही है यार, जो अभी जो पहले कहता था वो हीरा है ना, ये उसी की लग रही आवाज। हाँ ये लेकिन भक्ति रहा है बार बार, पता नहीं यार। चल कैप्चर करें, कैप्चर करें फोन। चलो ट्राई करते हैं, चलो ज्यादा आगे नहीं जाएंगे, ज्यादा आगे नहीं, ठीक है। टॉर्च लेके कैप्चर करते हैं, डंडा ले लो, चलो फोन निकाल लो। किधर से आ रही? इधर की साइड से। अरे ज्यादा दूर मत जाओ, ओए वो आई आवाज। किधर साइड से आ रही है? किधर से? इधर की साइड से आ रही है, देख नहीं रहा कुछ भी। आ किधर से? इधर की साइड है, वैसे तो आवाज तो इधर से आ रही है। अनबन तो हो रही है भाई, तो पास चले क्या? नीचे लगाओ, नीचे लगाओ, मैं देख लूंगा, अभी दिख तो नहीं रहा कुछ भी। हां देखो, थोड़ा सा आगे चलते हैं, जब दिखे क्या पता नीचे की साइड हो थोड़ा सा। अरे भाई बहुत नीचे आ रहे हैं, जा तो नीचे रही है काफी। अरे यहीं पर आ रही, यहीं पर आ रही, इधर लगाना, इधर लगाना, इस साइड लगाओ।
बेटा भाग ले, ओ भाई, लेपर्ड है लेपर्ड, ओ भाई क्या था भाइयो, ओ लेपर्ड था ना भाई, हिरण का शिकार कर रहा है भाग, ओ भाई हिरण का शिकार, चल 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 जल्दी जल्दी अंदर भाई, जल्दी से अंदर आ जाओ, का बच्चा खा रहा भाई वो, गाइस लेपर्ड था जो हिरण के बच्चे को खा रहा था, वो तभी चिल्लाया, हिरण को खा रहा था वो भाई, ये मैगी निकाल देता अभी हमारी भाई, एकदम से अटैक तो नहीं करता भाई ऐसे, लेकिन एकदम से नहीं करता, ये बताऊं वो उसको खा रहा है ना तो हमारे पास तो मुश्किल आएगा वो, क्योंकि थोड़ा दूर है, नीचे है, नीचे नीचे की बात भी प्लस क्या है, क्योंकि उसको खाना मिल चुका है अपना, लेकिन एक बात, हमने अंडा बनाया भाई, एक की स्मेल से आ सकता है वो, नहीं आएगा, अरे भाई अगर भूखा नहीं होता ना शिकार नहीं करता लेपर्ड कभी, जैसे अब इसको खा लिया तो 4-5 दिन तक शिकार नहीं करेगा, अच्छा हाँ, हमेशा लेपर्ड गाइस पता क्या होता है, एक बार खा के 10 दिन तक भूखा रह सकता है, और लेपर्ड 1 महीने तक बिन पानी पिए रह सकता है, अच्छा हाँ जी, एक बार पानी पिया दो 1 महीने तक बिन पानी पिए रह सकता है, और 10 दिन तक बिन खाए रह सकता है, भाई आज तो जान बची गई, अगर उसके हाथ होने लगता तो बुरा हाल हो जाता भाई, हैं हमें लपेट लेता, आज हमने गलत लोकेशन चूज करी है, बहुत गलत लोकेशन चूज करी है, 3 लोकेशन में से 4th लोकेशन थी जिसमें हमने 3 लोकेशन छोड़ के 4th ये करी है, और यही खतरनाक निकल गया आज, वहीं पे लपेट आ गया भाई साहब, लेकिन बिस्तर लगाने में हालत खराब हो गई, अंदर अंदर हालत खराब हो गई यार, कमर में मेरे तो दर्द हो गया भाई, बाहर जाना है नहीं भाई, बड़ा डर ही लग रहा है, 9:30 बजने को जा रहा है, 9:45 45 मिनट हो गया, 9:45 तो गाइस मिलते हैं आपको सुबह मॉर्निंग, आई होप कि कुछ ज़्यादा भाई कुछ ना हो, हम सुरक्षित रहें, तो मिलते हैं भाई इन द मॉर्निंग, फिलहाल कहते हैं आपको गुड नाइट, और आप करिए वीडियो को लाइक एंड चैनल का सब्सक्राइब, तो टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारा सामान भी पैक कर दिया है और अब भाई निकल पड़ते हैं, और धूप भी आ चुकी है, तो सुबह तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि आसमान में बादलों को देख करके कि आज कहीं से बारिश ना आ जाए, तो बारिश का मौसम अब नहीं बन रहा, तो भाई निकलते हैं और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट कैंपिंग वीडियो में, और तब तक दें हमें इजाज़त, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे फिर एक खूबसूरत सी लोकेशन उत्तराखंड के इन खूबसूरत और खूबसूरत पहाड़ों से, जय हिंद जय उत्तराखंड।